कोरोना काल के दौरान बीते लगभग 2 सालों में लोगों की जिंदगी में काफी कुछ डिजिटल हुआ है। फिर चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट करने की बात हो, वर्क फ्रॉम होम हो या फिर ऑनलाइन स्टडी। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन स्टडी के अलावा ऑनलाइन गेमिंग का ट्रेंड भी बच्चों के बीच तेजी से पॉपुलर हुआ। मौजूदा वक्त में भारत गेमिंग ऐप के लिहाज से गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है। महामारी के बीच भारतीयों ने मोबाइल गेम्स पर जमकर पैसे खर्च किए हैं। इस बात की तस्दीक की है क्राफ्टन इंक कंपनी में इंडिया और मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के हेड अनुज टंडन ने। उन्होंने बताया कि 2020 से 2021 तक एक बड़ा बदलाव ये था कि लोगों ने मोबाइल गेम्स पर ज्यादा पैसे खर्च करने शुरू कर दिए। 2020 में लोगों का गेम्स को लेकर एंगेजमेंट ज्यादा रहा और 2022 में भी ये सिलसिला जारी ही रहेगा। टंडन के मुताबिक बैटल रॉयल बेस्ड 4 में से 5 मोबाइल गेम्स भारत में इन ऐप खरीदारी से $100 मिलियन यानी करीब 754 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। इन गेम्स का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। गेमिंग और इंटरैक्टिव मीडिया वेंचर फर्म लुमिकाई और कंसल्टिंग फर्म रेडसीर की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2020 में रियल मनी गेम्स का रेवेन्यू $1.8 बिलियन यानी करीब 13,58,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ओवरऑल इंडस्ट्री में इनका योगदान 51% रहा। इस साल भारत में इन ऐप खरीदारी लगभग $500 मिलियन यानी करीब 3,770 करोड़ रुपए को पार कर रही है। वहीं अगर गेमिंग ऐप्स की बात करें तो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर को मिलाकर 2021 में गैरेना फ्री फायर वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया। गूगल प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा गैरेना फ्री फायर को डाउनलोड किया गया है। वहीं एप्पल स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेम पबजी मोबाइल है। लेकिन अगर रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो गेमिंग एप्स के मामले में सबसे ज्यादा रेवेन्यू पबजी मोबाइल का रहा है। ऑनलाइन रॉयल बैटल गेम्स के बढ़ते ट्रेंड के कई नुकसान हैं। आपको याद होगा हमारे देश में एक वक्त पबजी का ट्रेंड कितना बढ़ गया था। इस तरह के गेम्स में कई बार बच्चे बिना अपने माता पिता को बताए इन ऐप खरीदारी करने के लिए हजारों रुपए खर्च कर देते हैं और कई बार तो वो चोरी या आत्महत्या जैसे गलत कदम भी उठा लेते हैं। केंद्र सरकार ने बाद में पबजी पर तो प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन भारत में आज भी पबजी जैसे ही बैटल गेम्स खासे चलन में हैं। न्यूज रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।